नमस्कार, आज की खबर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों आज के हमारे इतिहास के बारे में। हम आपको बताएंगे हमारे इस वीडियो के अंदर आज का हमारा संपूर्ण इतिहास। पहले हम आपको बताएंगे कि आज कौन सा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। दूसरे हम आपको बताएंगे दोस्तों हमारे इस वीडियो के अंदर आज के दिन कौन कौन से महापुरुष है जिनका जन्मदिन है। और तीसरी बात हम आपको बताएंगे हमारे इस वीडियो के अंदर आज के दिन कौन कौन से महापुरुष है जिनका आज के दिन देहांत हुआ है। और चौथी बात हम आपको बताएंगे दोस्तों हमारे इस वीडियो के अंदर कि आज के दिन कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई है। शुरू करते हैं, पहले हम आपको बताते हैं आज कौन सा दिवस है। आज दिवस है दोस्तों चैत्र नवरात्रि। हाँ दोस्तों, आज से नवरात्रा का जो मौसम है वो शुरू हो रहा है। यदि आप माता का व्रत करते हो, माता की पूजा और अर्चना करना चाहते हो और यदि आप कोई सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हो दोस्तों, ये वक्त आपके लिए सर्वोत्तम है। आज से चैत्र के नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं और 9 दिन तक देवी माता की पूजा की जाएगी। तो दोस्तों आप हो जाइए आज से तैयार माता रानी की पूजा करने के लिए। हम आपको बताएं दोस्तों, एक वर्ष में 4 नवरात्राएं मनाई जाती है। पहला जो नवरात्र आता है वो आता है चैत्र मास में, दूसरा नवरात्र आता है आषाढ़ मास में, तीसरा नवरात्र आता है आश्विन मास में और चौथा नवरात्र आता है माघ महीने में। हम आपको ये भी बताएं दोस्तों, प्रतिपदा से लेकर नवमी तक 9 दिन तक व्रत किए जाते हैं माता के हर नवरात्रा के अंदर। और हम आपको यह भी जानकारी दे देते हैं दोस्तों, 2 नवरात्रें पूरे साल भर में मेन होती है, मुख्य होती है। पहली नवरात्रा होती है चैत्र मास के अंदर, जो आज से नवरात्रा शुरू होने जा रहे हैं दोस्तों वो मेन है, और दूसरे होते हैं दोस्तों आश्विन मास में। ये दोनों ही नवरात्रा मेन होते हैं। अब हम आपको यह भी जानकारी दे दोस्तों कि यह उत्सव किस प्रकार मनाया जाता है। आज से दोस्तों 9 दिन तक देवी माता का व्रत रखा जाता है। घर घर के अंदर देवी माता की जो प्रतिमा होती है उसकी स्थापना की जाती है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। अब हम आपको यह बताएं दोस्तों, जो हम नवरात्र मना रहे हैं चैत्र मास के, इसकी क्या धार्मिक मान्यता है, इसको क्यों मनाया जा रहा है। हम आपको बताएं, नवरात्रा में महाशक्ति की पूजा कर श्री राम भगवान ने जो अपनी खोई हुई शक्ति थी उसको प्राप्त करी थी। तो दोस्तों इसलिए आज के दिन आदि महाशक्ति की पूजा और अर्चना की जाती है। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, नवरात्रा के दिन 9 देवियों की पूजा की जाती है। हम आपको बताने जा रहे हैं उन 9 देवियों के नाम। पहली देवी का नाम है शैलपुत्री, दूसरी देवी का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरी देवी का नाम है चंद्रघंटा, चौथी देवी का नाम है कुष्मांडा, पांचवी देवी का नाम है स्कंद माता, छठी देवी का नाम है कात्यायनी, सातवीं देवी का नाम है कालरात्रि, आठवीं देवी का नाम है महागौरी और नवी देवी का नाम है दोस्तों सिद्धिदात्री। हम आपको बताएं दोस्तों, इन 9 देवियों की पूजा 9 दिन तक लगातार की जाती है। दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज के दिन कौन सा और दूसरा फेस्टिवल है। आज के दिन गुड़ी पड़वा है। हाँ दोस्तों, आज के दिन गुड़ी पड़वा का जो फेस्टिवल है वो भी पूरे भारतवर्ष में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हम आपको बताएं दोस्तों, चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा या जिसे हम वर्ष प्रतिपदा या जिसे हम उगादि का त्यौहार भी कहते हैं वो मनाया जा रहा है। हम आपको बताएं दोस्तों आज के दिन क्या किया जाता है। आज के दिन सूर्य, नीम की पत्तियां, अर्घ, पूरन पोली, श्रीखंड आदि का बड़ा महत्व है। हम आपको यही बताएं दोस्तों, आज के दिन ध्वजा, जो ध्वज होता है दोस्तों झंडा होता है, उसकी भी पूजा करने का विशेष महत्व है। हम आपको बताएं आज के दिन क्या किया जाता है। आज के दिन गुड़ी पड़वा के दिन घर घर में विजय के प्रतीक स्वरूप गुड़िया सजाई जाती है। हम आपको ये भी बताएं, आज के दिन गुड़ी को नवीन वस्त्र पहनाए जाते हैं। और हम आपको ये भी जानकारी दे दोस्तों, शक्कर से बनी हुई जो आकृतियां होती है उसकी माला गुड़ी को पहनाई जाती है। पूरन पोली और श्रीखंड का नैवेद्य छड़ाकर नव दुर्गा, श्री रामचंद्र और उनके भक्त हनुमान की विशेष पूजा करी जाती है। तो दोस्तों आज के दिन गुड़ी पड़वा का जो फेस्टिवल है उसको भी पूरे भारतवर्ष में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, अब आज के दिन गुड़ी पड़वा का जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है उसकी धार्मिक मान्यता क्या है। हम आपको बताएं दोस्तों, आज के दिन ब्रह्मा ने सूर्य उदय होने पर सबसे पहले चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही सृष्टि की रचना शुरू करी थी। इस कारण आज से गुड़ी पड़वा का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। हम आपको बताएं दोस्तों, आज के दिन नीम की पत्तियां खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, इसका आज के दिन विशेष महत्व है। हम आपको बताएं,
आज के दिन घरों के आगे एक गुड्डी या झंडा रखा जाता है। इसके साथ स्वास्तिक का चिन्ह वाला एक बर्तन व रेशम का कपड़ा भी रखा जाता है। तो दोस्तों आज के दिन गुड़ी पड़वा का त्यौहार और चैत्र माह के जो अंदर नवरात्र आते हैं उसका त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हम आपको हमारे चैनल की ओर से नवरात्रा और गुड़ी पड़वा की मुबारकबाद देते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं अब आज के दिन कौन कौन से महापुरुष है जिनका आज के दिन जन्म हुआ है। आज के दिन जन्म हुआ है शशि कपूर का। शशि कपूर का जन्म हुआ है 18 मार्च 1938 को और इनका देहांत हुआ था 4 दिसंबर 2017 को। शशि कपूर बॉलीवुड के जाने माने एक्टर थे। आज के दिन जन्म हुआ है अलीशा चिनोई का। अलीशा चिनोई का जन्म हुआ है 18 मार्च 1965 को। अलीशा चिनोई भारतीय पॉप गायिका हैं। आज के दिन जन्म हुआ है रत्ना पाठक का। रत्ना पाठक का जन्म हुआ है 18 मार्च 1957 को। रत्ना पाठक एक भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन अभिनेत्री है। हम आपको ये भी बताएं रत्ना पाठक ने शादी करी थी नसरुद्दीन शाह से। और हम आपको एक जानकारी और दे देते हैं रत्ना पाठक की एक छोटी बहन है उसका नाम है सुप्रिया पाठक। हम आपको बताने जा रहे हैं अब आज के दिन कौन कौन से महापुरुष हैं जिनका आज के दिन देहांत हुआ है। आज के दिन देहांत हुआ है राजकुमारी दुबे का। राजकुमारी दुबे का जन्म हुआ था 1924 में और इनका देहांत हुआ था 18 मार्च 2000 को। हम आपको बताएं राजकुमारी दुबे हिंदी सिनेमा की जानी मानी गायिका थी। आज के दिन कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई है इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। 2006 आज के दिन द यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल का गठन का प्रस्ताव को आज के दिन मंजूरी दी थी। तो दोस्तों यह है आज का हमारा संपूर्ण इतिहास। आप हमारा जो चैनल आज की खबर उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।